रैम्बल मनीष को भी सब्सक्राइब कीजिए, रैम्बल मनीष से पहले सुनील पाल ऑफिशियल यूट्यूब हेलो गाइस वेलकम बैक टू चैनल। तो स्वागत करते हैं आप सभी का एक नए वीडियो में। इस वक्त हम हैं बेली रोड में, बेली रोड में पिलर नंबर है 22 और हमारे पीछे जो होटल देख रहे हैं ये है AVR होटल, पटना का मतलब फेमस होटल है, मौर्य जैसा चाणक्य जैसा। तो ये बेली रोड में है और इस होटल के पास हम क्यों आए हैं, हमको क्या काम है होटल में, नहीं हमको रहना है ना कुछ करना है। तो गाइस आज हम आप लोग को एक ऐसे कॉमेडियन से मिलवाने वाले हैं जिनका कॉमेडी यूट्यूब पे, फेसबुक पे, टीवी पे, सब जगह मतलब सोशल मीडिया से लेके हर जगह मतलब उनका फिल्मों में कॉमेडी देखा है और बहुत ही स्टैंड अप कॉमेडियन है जिनका नाम है सुनील पाल, और सुनील पाल के नाम से जानते हैं। इनका सबसे फेमस मूवी था बॉम्बे टू गोवा जिसमें लगभग 51 स्टैंड अप कॉमेडियन काम किए थे, और ये था फिल्म बॉम्बे टू गोवा। तो गाइस बहुत ही मतलब चर्चित कलाकार हैं और हम आपको कलाकार से इसलिए मिलवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं ताकि आपको भी अपने काम के प्रति एक मोटिवेशन मिल सके, और मोटिवेशन इस तरह का मिले कि आप जिस भी काम में करते हैं वो काम करते रहिए। जैसे हमारा काम ही है मतलब ब्लॉग बनाना, ब्लॉग शूट करना, तो हम वीडियोस बनाते हैं। तो गाइस हम चाहते हैं कि जिस भी मतलब एक्टर से मिलवाएं, चाहे कोई बड़े बड़े सेलिब्रिटी से भी मिलवाएं, तो आप उनको देख के इस तरह से फैसिनेट हो कि मतलब उनके काम से मतलब प्रभावित हो कि अपने जीवन में हमको भी उस तरह का काम करना है। एक मतलब स्टैंडर्ड जो सेलिब्रिटी लाइफ होता है, पैसे के मतलब जो जीवन होता है वो। तो चलिए देख रहे हैं गाइस ये AVR होटल है, तो अभी निकल रहे हैं सुनील पाल सर से मिलने, तो मिलते हैं होटल में डायरेक्ट उनके रूम में। तो गाइस सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं कि आज अभी हमारे साथ सुनील सर हैं जो इंडिया में क्या मतलब विदेशों तक फेमस है, सबसे बड़े कॉमेडियन आज हमारे साथ सुनील पाल सर हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील पाल, आपका कॉमेडी का लाल, और ये मेरा भाई जो है वो अपने काम में कर रहा है कमाल और धमाल। क्या बात जी, 2000 साल। कैसा लगा सर बिहार, मतलब आपको कैसा लगता है बिहार के बारे में? मैं यही कहना चाहता हूँ कि बिहार ऐसा नाम है जिसमें हमारा पूरा देश, हमारा पूरा कंट्री समाया हुआ है। बी मतलब भारत, आई मतलब इंडिया, एच मतलब हिंदुस्तान, ए मतलब अपना, और आर मतलब राज्य। अपना बिहार राज्य जो है वो पूरी तरह से भारत है, पूरी तरह से कंट्री है, इस बिहार में पूरा देश समाया हुआ है। क्या बात है सर। जिया हो बिहार के लाला, जिया हो हजार साला, जिया हो बिहार के लाला, जिया हो हजार साला। ये आशीर्वाद दे रहा सुनील पाला। क्या बात है। बिहार, बिहार में जो लोग हैं वो बहुत ही सादे हैं, बहुत ही सरल है, बहुत ही हम्बल है। कोई भले भले लोग कहते हैं कि बिहारी पॉलिटिक्स बहुत करते हैं, लेकिन मैंने जितना देखा है उन्होंने असल बिहार नहीं देखा। मैं भी पूरा बिहार का टूर करके आया हूँ, इतने सीधे सब सरल लोग होते हैं, और मैं समझता हूँ कि ये लोग कभी मेहनत से पीछे नहीं हटते, कहीं भी जाए ये किसी में बोझ नहीं बनते, किसी का बोझ उठा लेंगे, किसी में बोझ खुद नहीं बनेंगे। जब इनके कंधे पर आता है गमछा तो फिर बिहारी नहीं बन सकता किसी का चमचा। मेहनत करेगा तो आगे बढ़ेगा, और बहुत आगे बढ़ेगा। इसलिए कहता हूँ भैया, इस बिहारी को जिसके अंदर प्यार है, दिल है, उसको जब मान सम्मान मिलता है तो वो 100 गुना ज़्यादा करके लौटाता है। लव यू बिहारी। सर मतलब एक जगह कहीं पढ़ रहे थे विकिपीडिया पेज में, तो आपके बारे में लिखा था कि आपका स्ट्रगल भरा कहानी है, तो वो स्ट्रगल थोड़ा सा मतलब बता सकते हैं? 1975 में मैं 2 मई को मुरसा नाम के छोटे से गांव में पैदा हुआ था, चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में, जो आंध्र प्रदेश का बॉर्डर है। आप देख सकते हैं कि मुझमें आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों समाया हुआ है। देखने में मैं साउथ का लगता हूँ और अंदर से मैं महाराष्ट्री हूँ, बट ये दोनों राज्यों का प्रभाव, स्वभाव और मेरे साथ में रहा है। इस वजह से जीवन में संघर्ष करने का कोई अभाव नहीं रहा, हमेशा रहा, संघर्ष करता रहा। और 1995 में बॉम्बे आ गया स्ट्रगल करने के लिए, चाय की दुकान में नौकरी की। तब नहीं पता था कि चाय के, वही बोला पढ़े थे सर, तब नहीं पता था कि चाय बेचने वाले को हिंदुस्तान में इज्जत मिलती है। इज्जत, चाय वाले सर तो प्रधानमंत्री बन गए। एक और चाय वाला आया था, वो तो बेचारा बदनाम हो गया बीच में। कौन सा चाय वाला था वो? MBA चाय वाला। वो भी गलत MBA किए थे, गलत पढ़ाई की थी उसने, गलत पढ़ाई। तो चाय वालों का नाम बदनाम जो है आप लोग ना करें, मैं मोदी जी से नहीं कर रहा हूँ, मैं MBA से कर रहा हूँ। चाय वालों का नाम मोदी जी ने तो बहुत रोशन किया है। सही बात। और मैं समझता हूँ कि मुझे नहीं पता था कि तब चाय वाले को इतनी तरक्की मिलेगी,
लेकिन फिर धीरे धीरे मेरा काम शुरू हुआ। 1995 में आने के बाद 75 अपना 2005 में लाफ्टर चले जाए, उसके बाद मेरे जीवन में वहाँ से विनर हुए, फिर उसके बाद धीरे धीरे फिल्म स्टार कैरियर फिल्में की, टीवी की, शोज की, सबसे फेमस बॉम्बे टू गोवा जी, बॉम्बे टू गोवा अभी तक चल रहा है और भगवान करे मालिक करे आपका आशीर्वाद रहे एकदम सबका आशीर्वाद। हमारा नाम है रतन नोरा और बिहार है हमारे लिए काशी और मथुरा, इसको नजर जो नजर लगाए वो है धतूरा, और बिहार का आशीर्वाद जिसको मिल जाए वो होता है पूरा। लव यू रतन नोरा। क्या चाय में जो सांता क्रूज का मतलब नाम है, सांता क्रूज का तो वही मतलब काम करते हैं, सांता क्रूज भी कह सकते, सांता क्लॉज भी कह सकते कि उन्होंने मेरे मुझे से बच्चे के गोद में बहुत सारे खुशी के खिलौने डाले हैं, तो सांता क्रूज भी हो सकता है। और एक क्रूज होता है सांता क्रूज जो पानी की तरह जाता है, आगे बढ़ता है, लोग पार्टी शार्टी करते हैं, उसे भी कह सकते हैं, क्योंकि मुंबई शहर में दो ही ऐसे इलाके हैं सांता क्रूज और कुलाबा जिसका तापमान नोट किया जाता है। मतलब समझ लीजिए कि सांता क्रूज और कुलाबा वाले ही जो है उनकी खोपड़ी में तापमान जो है आगे पीछे होते रहता है, कम ज़्यादा होते रहता है कम ज़्यादा होते रहता है। सर कुछ मतलब कॉमेडी उस टाइप का जो मिमिक्री करते हैं आप? मैं कसम मेरे को आज यहाँ पे आके बड़ा अच्छा लगा। क्या बात है, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। क्या डर गया? मां कसम जो डरता है उसको हंसाने का मजा आता है। शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। कहाँ लगता है तेरे को वापस नहीं लौटेंगे? सब राजे खुशी, बहुत जोर है तोरा में, बहुत ताकत है तोरा में, अरे भरम है भरम। मां कसम कभी कभी लगता है भगवान आप ही है। सेक्रेट गेम। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया मुन्नू, ये जो आपका चैनल है बहुत बढ़िया है, बाबूजी बैठ के देखते। मुन्ना तू भी देखना और उनकी बात सुनना, बहुत जाओगे दूर बिहार टू सिंगापुर। बहुत बढ़िया कालीन बिछाए, ये चैनल आपका इंतजार कर रहा है। जब आप लोग ये प्रोग्राम देखेंगे तो ही आगे ना बढ़ेगा भाई, ये जो बिहार का जो चैनल है देखेंगे तो ही आगे बढ़ेगा ना भाई, ऐसे थोड़ी बढ़ जाएगा। आपको देखना चाहिए ना, सोचना चाहिए ना भाई, सब लोग अपना ही अपना मर्जी करेंगे तो कैसा होगा भाई, सबको देखना चाहिए। राजनीति में नीति जो है अलग चीज़ है, नीति अलग है और नीति अलग है, सबको एक जैसा मत समझ, समझेगा तभी तो एक ना होगा ना भाई, समझेगा ना भाई। लालू जी बताइए, है पगला सुनील पाल हमारा कॉमेडी चेला है, इसको कॉमेडी हम सिखाए, जब तक रहेगा बिहार में लालू, जब तक रहेगा समोसे में आलू, जब तक रहेगा जंगल में भालू, सुनील पाल का कॉमेडी रहेगा चालू। आज शाम को सुनील पाल के साथ डिनर करेंगे। ऐ सुनील पाल यहाँ आओ, शाम को हम तुम्हारा फेवरेट डिश बनाए चारा, तुम चारा खाओ हम रबड़ी खाएंगे। अरे सर मुझे चारा क्यों खिला रहे? बिकॉज यू आर गुड गाय, अगर गाय हो तो चारा खाओगे ना भाई। तो ऐसे गुड गाय को हमारे घर पर बैल कम है, बैल कम चारा खाओ गुड गाय, गुड बाय। हमारा YouTube चैनल है सुनील पाल ऑफिशियल, जरूर सब्सक्राइब कीजिए। रैम्बल मनीष को भी सब्सक्राइब कीजिए, रैम्बल मनीष से पहले सुनील पाल ऑफिशियल YouTube को सब्सक्राइब कीजिए। रैम्बल को भले बाद में ना करे, करे ना करे, अगर आपका हो सकता है एक ही चांस बचाओ तो हमको दे दीजिए, एक ही वोट बचाओ। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर।